So hello and good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, MNS Aviary. आज मेरे बर्ड के केज में मुझे कुछ ऐसा दिखा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है मेरे साथ. ये सारे मेरे बर्ड्स है, यहाँ पे बजीज है, लव बर्ड्स है, कन्योर है. यहाँ पे मैंने सेनेगल्स रखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत कॉकटील्स है, और ये जो केज है, जो भी हुआ है यही केज में हुआ है. ये मेरे मॉम पैरकीट का केज है, ठीक है. ये उनका नेस्ट बॉक्स है, ये उनका नेस्ट है, और ये उनका केज है. और जो भी हुआ है ये इसी केज में हुआ है. आप देख सकते हो केज कितना कॉम्पैक्ट है. ये मैंने वॉल से लगाया हुआ है, हैंगिंग केज है. और ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये छोटू सा गैप, शीशा गैप, जो भी हुआ है ये ट्रे के अंदर हुआ है. तो मैं आज सुबह आया सबको फीडिंग करने के लिए, और मैंने देखा मेरे ट्रे के अंदर एक छोटू सा माउस घुस के बैठा था. मैंने उसको निकाल दिया है. मेरा पूरा सेटअप केज है, मैंने चारों तरफ से इसको फेंसिंग करके लिया है, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो माउस घुस के आया है. शायद यहाँ पे कहीं तो गैप होगा. ये जो बीम है इसके ऊपर, ये जो शेड गिरा है इसके ऊपर शायद गैप होगा, क्योंकि मैंने जब भगाया तो वो यहाँ से इसके ऊपर से भाग के यहाँ से बाजू के टेरेस पे भाग गया. तो आइए वापस चलते मेरे मॉन्क पैरकिट के केज में. तो मैंने उसको यहाँ से भगाया है, और मैं जस्ट चेक कर रहा था कि ट्रे में क्या है क्या नहीं है, और मुझे कुछ तो ऐसे पिंक पिंक खिलते हुए दिखा. और भाई साहब, मैंने जब ट्रे खींच के देखा तो ये देखो, ये सारे चूहे के बच्चे हैं. वो शायद मादी थी, उसने बच्चों को पैदा करने के लिए ये ट्रे के अंदर का जो पार्ट है वो यूज किया है. मैं ये ट्रे को, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो मैं हफ्ते में एक बार इसको क्लीन करता हूँ. तो शायद ये नेस्टिंग मटेरियल उसके लिए बहुत अच्छा लगा, तो वो ट्रे में उसने ऐसे गोल घोंसला बनाया और उसने इसके अंदर ऐसे बच्चे दिए. तो अभी पता नहीं, मैं इनको सेफली एक साइड पे रख देता हूँ, देखते हैं उसकी मॉम, इनकी मॉम आके लेके जाती है नहीं जाती है. ये एक छोटा सा कप टाइप है, उसके अंदर ये थोड़ा सा डाल देते हैं. और इन सारे बच्चों को हम रिप्लेस करते हैं. पता नहीं यार, इतने टाइम से मैं बर्ड्स रख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि मेरे बर्ड के केज में उनके ट्रे के अंदर किसी चूहिया ने बच्चे डाले. मैं पता नहीं अभी इनको कहाँ पे रखूँ, सेफ रखूँ जहाँ पे उनकी मॉम आके उनको लेके जाए. उनके बच्चे हैं, यहाँ पे ओपन में रख देता हूँ. एक छोटा सा ट्रे टाइप है, देखते हैं अगर वो आके इनको लेके जाती है तो अच्छी बात है. बहुत क्यूट है. शायद जस्ट रात को ही उनको पैदा किया है, बहुत क्यूट है. इनको यहीं पे सेफली रख देते हैं, शायद उनके मॉमी के लिए वापस आए तो इनको लेके जाए, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस. और बिगेस्ट लेसन लर्न यहाँ पे कि केज का ट्रे रोज साफ किया जाए.
हफ्ते में एक बार साफ करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मैं सुबह आता हूँ, इनको फीडिंग करता हूँ और मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। मॉम्स आर सेफ, उनका नेस्ट बॉक्स चेक करते हो उसके अंदर तो कुछ है या नहीं। ये छोटे छोटे बीटल्स जो है ना वो बहुत तकलीफ दे रहे हैं मेरे को। नेस्ट तो बनाया है तो क्या, मैंने रिसर्च किया था शायद स्पार्कलिंग बीटल बोलते हैं इसको। अगर आपको पता हो कि इनको कैसे निकाला जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि इनको कैसे निकालते हैं। मैंने रिसर्च किया था, इनको बोरिक एसिड डालते हैं, बोरिक एसिड का पाउडर डालना पड़ता है, बट आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज फॉर द बर्ड्स। मैं बॉक्स खोलता हूँ तो नीचे छुप जाते हैं ये लोग। ठीक है, चूहा ने कुछ किया तो नहीं अंदर, जो भी है वो ट्रे के अंदर किया था उसने। ये जो गोल गोल दिख रहे हो उसके अंदर उसने बच्चे डाले थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।